पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक। जिस समय जोधपुर में राजा जोधननाथ राज किया करते थे, जिनकी रानी का नाम रूपाणी थी, दोनों की शर्त लग जाती है। शर्त क्या थी? जो शर्त में हारेगा उसको 12 साल का वनवास होगा। दसों का लगो बताते हैं, राजमंत्री ने बताया। शर्त में तो राजा हार चुके थे, लेकिन रानी को जब पता लग गया, सबको बुला और समझा कि राजा दरबार लगाएंगे, जब बता देना कि रानी की हार हुई, क्योंकि मैं चली गई कुछ नहीं बिगड़े राजा। अगर राजा को दसोटा काटना पड़ा और जाना पड़ा तो राजकाज कौन संभालेगा। सुबह के टाइम राजा ने दरबार लगाया, जोधननाथ ने सबको बुलाया, हलकारों ने बताया कि महाराज रानी की हार हुई, तू गई होड़ में, हार चली जा नार्थ स्वट्य में, बाहर निकल जाती है। लेकिन सजनों, भगवान के करणी जी सेम रानी रूपाणी वहां से चली, कुछ दिनों की गर्भवती थी, गहरे जंगल व्यवहार में पहुंच जाती है। चलते चलते एक ऋषि की शरण ली, उसके बर्तन भांडे मांझ के गुजारा करने लगी। कुछ ही दिनों बाद में रानी के एक लड़के का जन्म हुआ। ऋषि ने उसका नाम रखा स्याही लकड़हारा। आप ये पूछेंगे कि स्याही नाम तो राजा का होता है, लकड़हारा एक लकड़ी बेचने लकड़ी काटने वाला होता है। ऋषि ने देखा उसके माथे पे, शरीर पर लड़के के कुछ ऐसे चिन्ह थे जो राजा के हो पाए जाते हैं। लकड़हारा ने रखा कि उसकी माँ लकड़ी बेच के गुजारा क्या करती थी। सजनों, एक दिन ऋषि का शरीर पूरा होया, कुछ ही दिनों में रानी रूपाणी भी बीमार हो जाती। रूपाणी के ताप से हमन खतरा से बीमार हुई। अरे तेरे क्यों कर लात करूं बेटा, मैं बोल प्याला चार। लक्ष्मी चंद किस्मत मारी देखी, ना खिली हुई फुलवारी देखी, लोग हाथ पकड़ कर नाड़ी देखी, माँ बिना जी बेकार हुई, अरे मने एकले न छोड़ गई माँ भाव सागर से पार। लड़का एकला रह जाता है, अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है, रोते रोते एक बात के द्वारा कैसे क्या बताता है क्या करता है। I don't
आप बीती बताता हूँ। पड़ोस में बाऊजिया घर था, दस एक साल के होंगे, 50 साल पहले एक आधा पुडे लिखा था। मेरे भाई दौरे थे फौज में, चिट्ठी आती थी कईया दौर पटवा करता हो फंडी इतरिया क्यों अब कि देखो शब्द रह गया तो कोई नाम रह गया हो दादा कोई बात ना बता दिए तो कैप्टन साहब फौजी की मेहर करके 100-100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद ला। फिर कदे मेरे ताई मीनू कह दियो रंग इतरिया पीछे राख गया हमने जी उनके जीवन में पीछे नहीं रखे कि सके हम परमात्मा मारे मारे रह जाऊंगा बतेरे थी उस चिट्ठी का वर्तान करता है उनमें सोचता है तू भी एक राजा का लड़का है वैसे कैसे
निपुणता भाई, हमारा अक्ष है सिर्फ गाने का, गाने पर ध्यान रखना चाहिए, गाने पर तो ध्यान हट जाएगा उस दिन खत्म हो जाएंगे। क्या कहा दूसरी मामा।
तेरे मधो से बट्टी बापी ने छोटा देवर जेठे के से बट्टी बापी ने छोटा देवर जेठे कैसा हो से लक्ष्मी तुम्हे सारे से लाल माटी में के पुतकार है।